This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इन सभी सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। संजय सिंह ने पंजाब विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी शीतल अंगुराल का चुनाव हारने पर लिखा है कि जालंधर पश्चिम से आपको धोखा देने वाले की राजनीति खत्म हो गई है। कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इस मामले पर NCW स्वतः ही संज्ञान लिया था। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इसके बाद से ही यहां पर विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में यहां पर उपराज्यपाल ही सरकार चला रहे हैं। अनुपमा में अनुज और अनु अब अपनी राहें अलग करने जा रहे हैं। अनुज जल्द ही पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि अध्ययन नहीं चाल चलेगी। शो की कहानी में नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अनंत अंबानी की शादी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान नीता अंबानी के साथ जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। 82 साल के जेम्स एंडरसन ने अपना आखिरी 188वां टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। इस मैच के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट से पहले शानदार खुशखबरी मिली है। दरअसल सरकार को डायरेक्ट टैक्स से खूब कमाई हो रही है और इस साल अब तक उसमें 24% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है। ताजे आंकड़ों से इसका पता चला है। रूस में सुखोई सुपरजेट 100 मॉस्को के करीब जंगल में हादसे का शिकार हुआ है। विमान के क्रैश होने के समय जेट में चालक दल के 3 सदस्य मौजूद थे। इस समय देश में कई परीक्षाओं में अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जबकि नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसी बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र में बीजेपी नेतराजक NTA गठबंधन और राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन क्रमशः भारत और महाराष्ट्र का भविष्य है, जबकि कांग्रेस इतिहास बन चुकी है। बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने लड़ी गई सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP SP की ओर से समर्थित पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी यानी PWP के जयंत पाटिल हार गए हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा से वापस लौटे हैं, तभी से अमेरिका कुछ नाराज होता नजर आ रहा है। दरअसल PM मोदी रूस की यात्रा से अमेरिका काफी नाराज है। भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत एरिक गासेटी का धमकी भरा लहजा भारत को कतई पसंद नहीं आया है। गोवा में एक महिला टूरिस्ट के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए 2009 बैच के IPS अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि 11 माह बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका निलंबन रद्द कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने ऑफिस का ट्रांसफर गोवा से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कर दिया है। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शुक्रवार रात जियो वर्ल्ड सेंटर में वरमाला के बाद लखनऊ 7 फेरे और सिंदूरदान की रस्म की गई। नेपाल में 12 जुलाई को पुष्प कमल दहल और प्रचंड की सरकार गिरने के बाद KP शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ओली ने नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देवबा के साथ राष्ट्रपति को सरकार बनाने की अर्जी सौंपी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 16 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को गला रेतकर मार डाला है। शव के 17 टुकड़े किए और स्कूल बैग बोरी में भरकर डैम में फेंक दिया। इसके लिए लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर की मदद ली है। जयपुर में देर रात राष्ट्रीय कन्या सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत कन्या सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के बीच मारपीट और फायरिंग हो गई। इसमें मकराना जख्मी हुए हैं। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को फिर से खोलने के बारे में आज राज्य सरकार फैसला लेगी। मंदिर का खजाना आखिरी बार 40 साल पहले 1978 में खोला गया था। तब मंदिर में 128 किलो सोना और 222 किलो चांदी होने की बात सामने आई थी। विंबलडन 2024 टेनिस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट तय हो गए हैं। मेन सिंगल में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कारेज का सामना 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच से होगा और दोनों लगातार दूसरी बार इस ग्रैंड स्लैम के खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगे। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।